तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो हमारा क्या है, लास्ट इंडेक्स ऑफ वन, एक स्ट्रिंग होगी गिवन होगी हमें और उस स्ट्रिंग में क्या होगा, जीरो एंड वन के कॉम्बिनेशन होंगे, स्टोर होंगे और उसमें जो वन होगा उसका लास्ट इंडेक्स हमें बताना है कि वो लास्ट इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, सो चलिए बिना कुछ देरी के वो सीधे इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और चलते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलते हैं और सबसे पहले तो रीड करते हैं, गिवन एन स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली जीरोस एंड वन, फाइंड द लास्ट इंडेक्स ऑफ द वन प्रेजेंट इन इट। हमें वन का लास्ट इंडेक्स बताना है कि लास्ट इंडेक्स जो हमारा वन का है वो कहाँ पे है। ठीक, और वही हमारा आउटपुट में हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न करा देंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर वन आप देख सकते हो, यहाँ पे इनपुट जो है हमारा वो क्या है, 0001 है और इसका जो स्ट्रिंग हमने लिया हुआ है 0001 और इसमें आप देख सकते हो कि जो लास्ट इंडेक्स है हमारा वो कहाँ पे है, वन का जो लास्ट है, वन देखिए आप यहाँ पे वन सबसे लास्ट पे है और उसका इंडेक्स भी लास्ट इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग जीरो से शुरू हो रही है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इस फोर पे ये जो वन है हमारा फोर्थ लास्ट इंडेक्स होगा, हमारा फोर होगा यहाँ पे, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। मीन्स वन हमारा जो है उसका लास्ट इंडेक्स क्या है, फोर है। ठीक, एग्जांपल नंबर टू पे हम देखेंगे तो हमारा कोई भी स्ट्रिंग, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग है ही नहीं तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे वन प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए हम आउटपुट पे माइनस वन कर रहे हैं। सिंस वन इज नॉट प्रेजेंट सो आउटपुट इज माइनस वन। ठीक, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है और हमने बता दिया है कि हम लोग का जो टास्क है वो क्या डिफाइन किया उन्होंने, यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग, योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन लास्ट इंडेक्स व्हिच टेक्स द स्ट्रिंग एस एंड द इनपुट एंड रिटर्न्स द लास्ट इंडेक्स ऑफ वन। इफ वन इज नॉट प्रेजेंट रिटर्न माइनस वन। ठीक है, विदाउट कोट्स हमें रिटर्न क्या करना है, माइनस वन रिटर्न करना है और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होनी चाहिए और जो ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ वन है। और ये जो क्वेश्चन है किस कंपनी पूछा गया है, इन मोबी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि हमें लास्ट इंडेक्स देना है, इसलिए हम एक इंट इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे माइनस वन से। सो मैंने यहाँ पे इंट इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने माइनस वन से क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। मींस एट द एंड में क्या करूँगी, रिटर्न इंडेक्स करा दूंगी। ठीक है, अगर सब कुछ होते हुए भी, होने के बाद, चेक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे वन प्रेजेंट ही नहीं है तो हम सीधे रिटर्न करा देंगे इंडेक्स और इंडेक्स में क्या वैल्यू स्टोर है, माइनस वन। ठीक, और अगर मान लीजिए कि हमारा हमारी जो स्ट्रिंग है वो एग्जिस्ट कर रही है, स्ट्रिंग में वन एग्जिस्ट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो 0001 करके तो एक फॉर लूप चलाएंगे इसके इंडेक्स पे जाने के लिए। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया और ये फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस देन कहाँ तक, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वहां तक जाएगा ना आई, हमारा जो फॉर लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जीरो से लेकर स्ट्रिंग की लेंथ तक। स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे क्या होगी, एस डॉट एल E-N-T-E-H, string length, ये होती है हमारी string का total length निकालने का तरीका। ठीक है, s dot length, उसके बाद हम क्या करेंगे, i को increase करते जाएंगे एक एक step। अब इसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वन का जो लास्ट इंडेक्स है उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे कंपैरिजन कराएंगे। ठीक है, और कंपैरिजन किसके किसके बीच में कराएंगे, कंपैरिजन हम जो कराएंगे वो ये कराएंगे कि हमारा जो आई की जो वैल्यू है, आई जो हमारा एस है, एस के अंदर जो हम स्ट्रिंग के अंदर जो हमारा आई है वो वन के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे, इफ और एस ऑफ आई, ठीक है, ये कंपैरिजन वाला लगाएंगे, डबल इक्वल टू और ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है और यहाँ पे किससे कराएंगे, इससे कराएंगे वन से। यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर वन होगा, अगर आप सिंगल कोट के अंदर वन नहीं लिखोगे तो एरर आएगी, सिंगल कोट के अंदर वन लिखोगे, लिखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग का जो एरे है एक तरीके से जो के इंडेक्स पे, इंडेक्स आई का जो वैल्यू है उसको कंपैरिजन कराएंगे वन से। वन जो है हमारा वो क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट, और कैरेक्टर कांस्टेंट जो वन है इस वजह से हमने उसको सिंगल कोट के अंदर लिखा है। अगर यहाँ पे हम सिंगल कोट नहीं लगाते हैं तो हम एक वैल्यू के साथ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करा रहे हैं। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो एरर आएगा, ठीक, सो हमारा जो वन है वो कैरेक्टर कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रिंग जो हम क्या करेंगे, जब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, तो जैसे यहाँ पे हम स्ट्रिंग एस जो है उसके अंदर हम जैसे ही स्टोर कराएंगे, एक हम स्ट्रिंग को कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक एरे होगा। ठीक है, एरे के अंदर हम 0001 लिखेंगे और उसका इंडेक्स होगा हर एक आई के करस्पॉन्डिंग कि भाई आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, ऐसे करके। ठीक है, सो जो हमारा उसके अंदर जो वैल्यू होगी वन,
उसको अगर हम ऐसे प्रेजेंट करें एक्सटर्नली तो हम उसको सिंगल कोट में प्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो एक कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसीलिए इसको सिंगल कोट में लिख रहे हैं, यहाँ पे सिंगल कोट में हम नहीं लिखेंगे वन को, तो हमारा जो जो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट होगा उसमें एरर आएगी, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग जो किससे मिलकर बनी होती है, कैरेक्टर से, ठीक है। सो एक कैरेक्टर जो एक कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को मिला करके हम क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं, और वो कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकते, तभी तो उनको कैरेक्टर कॉन्स्टेंट बोला गया है कि आप ये वन जो है वेरिएबल हो गया, ऐसा नहीं है ना। सो बस यही बात है, इसको हमने सिंगल कोट में लिखा है क्योंकि कैरेक्टर हम लोग प्रेजेंट किस पे करते हैं, सिंगल कोट में प्रेजेंट करते हैं, और कैरेक्टर से ही मिलकर हमारा क्या बना हुआ है, स्ट्रिंग बना हुआ है, ठीक है। सो एक हर एक ब्लॉक में, एरे का जो ब्लॉक है, एक एक हर एक ब्लॉक में क्या है, 0001 ऐसे स्टोर है, ठीक है। सो इसीलिए क्या होगा कि हर एक ब्लॉक ब्लॉक में क्या होगा, कैरेक्टर स्टोर होगा, और उसी कैरेक्टर को मिला करके हम बोल दिए स्ट्रिंग है वो, इस वजह से सिंगल कोट में है, ठीक। सो ये हमारा हो गया कंपैरिजन। अब इसके बाद जैसे ही हमारा ये हुआ कि भाई इफ एस एस ऑफ आई इक्वल टू वन हमारा हो गया, मिल गया, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे रिटर्न नहीं, हम क्या कर देंगे, इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई कर देंगे। सो हमने इंडेक्स की जो वैल्यू क्या थी, इंडेक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इंडेक्स को रिटर्न कराना है, ठीक है। सो मॉडिफिकेशन किस में होगा, इंडेक्स में होगा, सो इंडेक्स इज इक्वल टू आई, ठीक। इतना होने के बाद, इतना हो गया, इसके बाद हम रिटर्न करा देंगे सीधे इंडेक्स। सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया हमने यहाँ पे। मैं सबसे पहले यहाँ पे तो हो गया इंडेक्स, यहाँ पे मैं जाके बाहर रिटर्न कराऊंगी, फॉर लूप के मैं बाहर गई क्योंकि ये मेरा हो गया काम, मॉडिफिकेशन होगा, एट द लास्ट हमें आई मिल जाएगा, ठीक है, फॉर लूप चलते चलते। अब यहाँ फॉर लूप के बाहर जाके मैं क्या करूँगी, रिटर्न कराऊंगी इंडेक्स, फॉर लूप के बाहर आ गई, फॉर लूप ये है, तो मैं रिटर्न और यहाँ पे मैं क्या कराऊंगी, इंडेक्स, ठीक। ये मेरा रिटर्न इंडेक्स हो गया, अगर ये वैल्यू ट्रू हो गई तो इंडेक्स रिटर्न जो है, इंडेक्स वैल्यू वन हो जाएगी, अरे फोर हो जाएगी, सो फोर को रिटर्न कर देगा इंडेक्स। और अगर ये जो हमारा वन एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं हुआ, वन हमें मिला ही नहीं, ये फॉर लूप के अंदर हमें कुछ मिला ही नहीं आउटपुट वन का, तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा इंडेक्स में माइनस वन स्टोर होगा उसी को हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। सो बस इतना ही कोड था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप सीधे इसको कंपाइल और रन कराते हैं, और ये हमने कंपाइल और रन कराया। सो आप देख सकते हो आउटपुट कितना आ गया, आउटपुट आ गया हमारा फोर, ठीक। और हम इसको सबमिट करते हैं, और यहाँ पे हमारा कुछ रॉन्ग बता रहा है, और वो रॉन्ग चीज़ क्या है, एक मिनट चेक करते हैं। इट्स करेक्ट, आउटपुट जीरो एंड योर आउटपुट रिपोर्ट इज वन। सो मैंने यहाँ पे कुछ माइनस वन मैंने किया, ठीक। सो ये जो एरर आई है वो मेरी कहाँ पे आई है, एक बार पूरा कोड फिर से एक बार चेक करूँगी कि क्या गलती हुई है। सो कुछ हुई होगी गलती, तो देखते हैं। इंट लास्ट इंडेक्स फंक्शन है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास किया गया, और इंट इंडेक्स हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया था जिसको हमने इनिशियलाइज किया था माइनस वन से, क्योंकि माइनस वन हमें रिटर्न करना था, और फॉर लूप लगाया पूरा ट्रैवर्स करने के लिए, और जो स्ट्रिंग के आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर आई इंडेक्स पे अगर इक्वल टू कंपेरिजन कराएंगे कैरेक्टर कॉन्स्टेंट वन से इक्वल आ जाती है, तो फिर हम क्या कर देंगे, इंडेक्स को मॉडिफाई कर देंगे, और उसमें क्या कर देंगे, आई इंडेक्स जो है आई वो हम क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे, ठीक। तो इंडेक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी मॉडिफाई हो जाएगी, और उसके बाद प्रिंट करा देंगे। सो यहाँ पे मुझे तो कोड सब सही दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इफ हाँ ये सेमी कॉलम, मैंने सेमी कॉलम रखा दिया, तो ये सेमी कॉलम यहाँ पे नहीं आएगा, पता नहीं क्या सिली मिस्टेक हो गया मुझसे, ये सेमी कॉलम यहाँ पे नहीं आएगा। सो ये सेमी कॉलम मैं हटा करके फिर रन करती हूँ, सेमी कॉलम मैंने हटाया, और इसको मैं फिर से कंपाइल और रन करती हूँ, देखती हूँ क्या आता है, और आउटपुट हमारा सही आ गया फोर, और इसको एक बार सबमिट करके देखती हूँ। यही गलती थी, इफ कंडीशन थी उसमें मैंने सेमी कॉलम लगा दिया, ये देखिए हमारा आंसर आ गया। सो आई होप आपको समझ में आया हो, बहुत ही छोटी मिस्टेक हुई थी, सेमी कॉलम लगा दिया था इफ कंडीशन के बाद, मजा बेवकूफ। सो कोई नहीं, होती गलती, तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक एंड शेयर करना, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें था नहीं इतना हेक्टिक वाला, सो बहुत ही अच्छे से उन्होंने सॉल्व किया, और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार होते हैं और मिलते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।